नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक मध्य प्रदेश में यह बंद रहेगा। मध्य प्रदेश के सभी लोग देखें और इस पर अपने विचार लिखें। चलिए जानते हैं क्या बंद रहेगा, वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, शिवराज सरकार का बहुत बड़ा फैसला, अगले आदेश तक एमपी में बंद रहेंगे सिनेमा। 1 जून से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बाकी जगहों पर सामान्य गतिविधियां संचालित होंगी। वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। दरअसल वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश 30 मई 2020 के अनुक्रम में सिनेमाघर बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत सभी सिनेमाघरों को इसके पहले 30 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किए गए थे। 7 जून के बाद अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर फैसला। अंतर्राज्यीय बसों के संचालन पर फैसला 7 जून को किया जाएगा। इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर सभी संभागों में सार्वजनिक परिवहन की बसें 50% यात्रियों के साथ संचालित की जा सकें। इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु बसें संचालित करने की अनुमति होगी। आवागमन के लिए नहीं होगी पास की जरूरत। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम ICP केसरी ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश से बाहर जाने और अन्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में आने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी किसी प्रकार के पास और अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। केसरी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी सुविधा के लिए ई पास की आवश्यकता महसूस होती है तो वह आप देख पा रहे हैं इस वेबसाइट में संपूर्ण विवरण के साथ जानकारी भर सकता है। जानकारी भरने के तुरंत बाद स्वतः ई पास जारी हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे भी जानकारी ऐसी मिलती रहे आपको, इसलिए आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।